नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। बीजेपी जहां दावा कर रही है कि सीएम योगी ने 31,000 परिवारों को नवरात्र का तोहफा दिया है और अब की बार बेरोजगारी का रावण दहन होगा यूपी में, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार से पूछ रही है कि डेडलाइन मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए, रोजगार दीजिए। विपक्ष सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विगत एक वर्ष में आरक्षी पुलिस के 49,568 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें से 14,000 रिक्रूटों को प्रारंभिक प्रशिक्षण 6 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो गया है। पुलिस विभाग के विभिन्न राजपत्रित पदों पर 1,292 कर्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश पुलिस में 685 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 14,000 आरक्षी पुलिस, तालिपिक संवर्ग के 154 पदों पर सीधी भर्ती के साथ साथ मृतक आश्रित के रूप में 81 विभिन्न पदों पर नियुक्त करते हुए कुल 14,920 शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को सेवायोजन प्रदान किया गया है। वर्तमान में पुलिस बल में उपनिरीक्षक के 9,027 पद, तांबितक आश्रित के रूप में 566 पदों को सम्मिलित करते हुए 9,593 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। राज्य सरकार की घोषणा के क्रम में 61 अग्निशमन केंद्र, 13 चौकी, 36 थाना, कुल 110 प्रशासनिक भवन, 35 ट्रांजिट हॉस्टल, 88 पुलिस महिला हॉस्टल, 30 पीएसी बैरक, 317 थानों पर हॉस्टल, कुल 400। कह रहे हैं कि सरकार दावा कर रही है कि आपने अब तक 4,00,000 सरकारी नौकरियां दे दी, मगर जमीनी हकीकत तो ये है कि अभी भी 5,00,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन्हें कब भरा जाएगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या अब समय आ गया है जब नौकरी के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्या यूपी में अब बेरोजगारी पर वार होगा और रोजगार की बहार आएगी। कितने रोजगार, कितने बेरोजगार, किसके दावे में कितना दम। जिस प्रदेश में हर नौकरी जातिवाद की चपेट में आता था, भ्रष्टाचार की चपेट में आता था, 3 वर्षों में 3,00,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी दे देना और आगामी 1-1.5 वर्ष के दौरान 3,00,000 नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी चल रही है। सबको ध्यान में रखते हुए विगत 3 वर्षों के दौरान 20,00,000 से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य, 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने